हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइव विजडम सीरीज़ में मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को शेयर करने वाला हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि वो क्या रीज़न है जिसके कारण जो सक्सेसफुल हैं वो सक्सेसफुल हो पाते हैं और ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, या अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं क्रिएट कर पाते, या अपनी ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। वो मिसिंग लिंक क्या है, वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इस चीज़ को डिसाइड करता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे हमेशा कमेंट्स में पूछा है या मेरे सेमिनार्स में आने के बाद पूछा है कि सर वो क्या रीज़न है जिसके कारण कुछ लोग सक्सेसफुल हो पा रहे हैं लेकिन बाकी नहीं हो पा रहे। ड्रीम्स तो ज़्यादातर लोगों के पास है लेकिन फिर भी वो रिजल्ट्स क्यों नहीं क्रिएट हो रहे। तो जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और मैं आपको ऐसे 4 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिनसे आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी आएगी, आपको क्रिस्टल क्लैरिटी आएगी कि इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है और क्या आपको समझने की ज़रूरत है अगर आपको अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस क्रिएट करनी है। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू बिकम द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम योर माइंड फैमिली एंड यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमारी ज़िंदगी में एक्शन और रिजल्ट्स के बीच में एक रिलेशन है, एक कनेक्शन है। मैं हमेशा अपने सेमिनार्स में ये कहता हूँ, वर्कशॉप्स में ये कहता हूँ, या वीडियोस में मैंने कई बार कहा है कि एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट, यानी अगर आप एक्शन लेंगे तो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा ही, ये डन डील है। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। फर्स्ट स्टेज के बारे में अभी मैंने कुछ मेंशन नहीं किया है क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज ही है जिसे जो सक्सेसफुल होते हैं अपनी ज़िंदगी में वो लोग फॉलो करते हैं, वो लोग उसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते। लेकिन फर्स्ट स्टेप मैं डिस्क्लोज करूं, उसके पहले बाकी के स्टेप्स को समझ लीजिएगा। जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में एक लेवल तक आगे बढ़ जाता है, वो लेवल क्या है वो फर्स्ट स्टेप में मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन जब वो एक लेवल तक आगे बढ़ जाता है तो सिचुएशन आती है कि वो एक्शन करता है और थोड़े थोड़े रिजल्ट्स आते हैं, यानी कि यू पुट योर एफर्ट्स, यू डू द एक्शन, आप एक्शन करेंगे लेकिन रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे, उनका अमाउंट थोड़ा छोटा होगा। इस सिचुएशन में भी एक्शन करते रहना आपको सक्सेसफुल बनाता है, या सक्सेसफुल लोगों को सक्सेसफुल बनाता है। उसके बाद सेकेंड सिचुएशन आती है कि आप जितना एक्शन ले रहे हैं उतना रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स द रिजल्ट्स दैट आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड आर अराउंड इक्वल टू द एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग, यानी कि जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं उतना रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसी रेशियो में रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इस सिचुएशन में एफर्ट लगाना बहुत आसान होता है। जैसे कोई चला चलाया बिजनेस है, अगर आप उस बिजनेस में जाके इंसर्ट हो जाते हैं, प्लग इन हो जाते हैं, और जो चल रहा था आप वो करते रहते हैं, तो जो प्रोड्यूस हो रहा था वो प्रोड्यूस होता रहता है, यानी कि एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। इसके बाद एक अगला स्टेज आता है, जिस स्टेज में होता ये है कि आप एक्शन कर रहे होते हैं, अगर आपने सिस्टम क्रिएट किया है, आप एक्शन सही तरीके से कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, बट दे आर मोर, दैट मीन्स एक्शन प्रोड्यूसेस मोर रिजल्ट्स। तो ये 3 स्टेजेस में होता क्या है कि आप शुरू करते हैं एक्शन लेना लेकिन थोड़े थोड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर जितना आप एक्शन ले रहे होते हैं उतने रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो टाइम आता है जब आप एक्शन तो उतना ही ले रहे हैं या शायद कम ले रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये हर किसी की समझ में आता है, ये करना आसान है क्योंकि जब थोड़े से भी रिजल्ट दिखने लगते हैं, आने लगते हैं, तो हर इंसान को लगता है कि अब तो मेहनत बढ़ाई जा सकती है, अब तो मेहनत की जा सकती है क्योंकि अब रिजल्ट्स तो प्रोड्यूस हो ही रहे हैं। और ज़्यादातर लोग ये कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडसेट रखते हैं, जो सच में सक्सेसफुल होने की डिज़ायर रखते हैं, बर्निंग डिज़ायर होती है जिनके अंदर, जो अपने ड्रीम को लेकर वाकई पैशनेट होते हैं, वही फर्स्ट स्टेज को क्रॉस कर पाते हैं। और ये सारे स्टेजेस फर्स्ट स्टेज के बाद आते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट स्टेज ये है जब आप एक्शन लेते हैं लेकिन एक्शन से कोई भी विजिबल रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी कि नो विजिबल रिजल्ट्स। ध्यान से समझिएगा, यानी कि कोई भी विजिबल रिजल्ट क्रिएट नहीं हो रहा होता है। और यही वो पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि जो लोग अपनी ज़िंदगी में
एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस क्रिएट करते हैं, उन्होंने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में अनसीन में बिलीव किया, यानी कि उन्होंने अपने माइंड में कुछ ड्रीम क्रिएट किया, कुछ सपने देखे और उसकी डायरेक्शन में काम करना शुरू किया, एफर्ट लगाना शुरू किया। लेकिन ये वो समय था जब कुछ भी रिजल्ट दिख नहीं रहा था, इनफैक्ट ये क्लैरिटी भी नहीं थी कि रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा, इट वॉज टोटली अनसर्टेन। लेकिन उस अनसर्टेनिटी के बावजूद वो एक्शन लेते जाते हैं, एक्शन लेते जाते हैं, खुद को रिफाइन करते जाते हैं, खुद को इम्प्रूव करते जाते हैं, और एक टाइम आता है जब माइलस्टोन दिख जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप समझेंगे इस बात को। सपोज़ करिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अब आपको ये पता है कि मुझे इस पॉइंट ए से इस पॉइंट एस तक जाना है, ये सक्सेस का पॉइंट है, मुझे यहाँ तक जाना है। और अभी जो आपके पास पोटेंशियल है, अभी जो आपके पास कैपेबिलिटी है, अभी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो आपको सिर्फ कुछ दूर तक लेके जा सकते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि मेरी सक्सेस का डायरेक्शन, यानी कि जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, वो सही डायरेक्शन में है भी या नहीं, क्योंकि जितना आप एफर्ट कर सकते हैं, हो सकता है वो एफर्ट आप इस डायरेक्शन में करें, हो सकता है आप एफर्ट इस डायरेक्शन में करें, हो सकता है आप इस डायरेक्शन में करें, हो सकता है इस डायरेक्शन में करें। लेकिन है ये कि जब सपोज करो ये एक डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, सपोज करो ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स का और आपकी सक्सेस 100 किलोमीटर्स दूर है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज करो ये सक्सेस है, ये 100 किलोमीटर्स दूर है और ये जो आप चल सकते हैं एक बार में, जितनी शुरुआत कर सकते हैं वो 10 किलोमीटर्स है, तो जो लोग सक्सेसफुल होते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो सबसे पहले ये 10 किलोमीटर्स चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या ये किसी माइलस्टोन तक पहुँचे हैं, क्योंकि इनका माइलस्टोन इनको बता देता है। सपोज करो हर 10 किलोमीटर पे माइलस्टोन्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी माइलस्टोन्स लगे हुए हैं, लेकिन पहला माइलस्टोन 10 किलोमीटर के बाद है, उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, और इस तरह से सो ऑन, ये सक्सेस की जर्नी पे लेके जा रहा है। लेकिन ये पहला माइलस्टोन यहाँ से यहाँ तक के लिए बीच में कोई भी इंडिकेशन नहीं है, यानी कि पहली जर्नी तो आपको अनसीन में करनी पड़ेगी। यू नेवर नो दैट वेदर यू आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, आप सही जा रहे हैं या सही नहीं जा रहे, ये आपको पता नहीं होता। ये पता तो तब चलेगा जब आप एक माइलस्टोन को अचीव करेंगे, इस डायरेक्शन में भी कोई माइलस्टोन होगा, लेकिन आपको वहाँ तक पहुँच के पता चल जाएगा कि ये डायरेक्शन सही नहीं था, जो मेरा डायरेक्शन है वो डायरेक्शन तो समवेयर इधर जा रहा है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, और आप अपने आप को रेक्टिफाई कर लेंगे। तो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अनसीन में बिलीव करके जो जर्नी वो कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया 10 किलोमीटर्स का, तो वो उस जर्नी को कर सकते हैं और वो उस जर्नी को करते हैं, वो अनसीन में बिलीव करके अपने एक्शंस को लेते रहते हैं, और एक टाइम के बाद वो एक माइलस्टोन पे पहुंच जाते हैं, यानी कि वो इस नो विजिबल रिजल्ट वाले लेवल को क्रॉस कर जाते हैं और फिर उनके एक्शन उनको थोड़े थोड़े रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं, एक माइलस्टोन अचीव हो जाता है। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, वो हमेशा डाउट में रहते हैं, अनसर्टेनिटी से वो डर जाते हैं, उनको लगता है रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा ये सर्टेन नहीं है, इसलिए वो अपना पहला स्टेप ही नहीं लेते हैं, वो एक्शन ही नहीं लेते हैं, वो सोचते ही बैठे रहते हैं कि जब मुझे एब्सोल्यूट सर्टेनिटी आ जाएगी तब मैं आगे बढ़ूंगा, और ऐसा ज़िंदगी में कभी भी नहीं होता। जैसे अगर आप ये सोचें कि मैं तभी अपने घर से अपनी कार निकालूंगा जब मैं 100% श्योर हूँ कि रास्ते में मिलने वाला हर इंसान परफेक्टली ड्राइव कर रहा होगा, सारे रास्ते पूरे तरीके से वेल पेव्ड होंगे, अच्छे तरीके से बने होंगे, और एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी 0% होगी, तो आप कभी अपने घर से निकलेंगे ही नहीं। तो ध्यान से समझिएगा कि आपको अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है, जो भी आपको एफर्ट्स करने हैं वो स्टार्ट कर देने हैं, तब जाके आप एक माइलस्टोन तक अनसीन में ट्रेवल करके पहुंचेंगे और फिर विजिबल होने शुरू हो जाएंगे आपके रिजल्ट्स। और मैंने बहुत पहले एक शायरी सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं ज़्यादा शेर व शायरी तो नहीं जानता, लेकिन मुझे उसने बहुत इम्पैक्ट किया था, और उसमें एक बात कही गई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें कहा गया था, मिल ही जाएगी मंजिल हमें भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। राइट, तो सोचो ये कितना ज्यादा पावरफुल है कि आपको मंजिल एक दिन मिल ही जाएगी अगर आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देंगे। गुमराह तो वो हैं जो घर से ही नहीं निकलते, यानी कि जिन्होंने एफर्ट्स करना शुरू ही नहीं किया है। तो आप ऐसी गलती ना करें, आप स्टार्ट करें, आप एक्शन लेना शुरू करें, क्योंकि सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेज पे काम करना बहुत आसान है, डिफ़िकल्ट है फर्स्ट स्टेज पे काम करना। और उस फर्स्ट स्टेज पे जो पावर वाले लोग हैं, जो मोटिवेटेड हैं, जो इंस्पायर्ड हैं, जिन्होंने डिसीजन लिया है, जो आपके जैसे चैंपियंस हैं, वो ही फर्स्ट स्टेज को क्रॉस करते हैं। राइट, तो ये करना शुरू करिए।
आई होप जो मैं कह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वॉट यू अंडरस्टूड आउट ऑफ दिस वीडियो, वॉट यू लर्न फ्रॉम इट टूडे। और आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जिनकी आप केयर करते हैं। एंड लिव द लाइफ दैट यू डिज़र्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।